वेदों में एक सूत्र है कि यदि उच्च कोटि का नंदी हो जिसमें 24 लक्षण हो नंदी होने का, तो ऐसी नंदी का मूत्र ऐसी महिला सूंघ ले जिसे मां बनने का भाग्य नहीं है, तब वह भी गर्भवती हो जाती है, वह भी गर्भ धारण के योग्य हो जाती है, केवल उसका मूत्र सूंघने से। तो ऐसी उत्कृष्ट जो नंदी थे, इन सबको अंग्रेजों ने कटवाया, खत्म किया। ये क्रम चलता रहा, अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से देश छोड़कर गए। हमारे देश के कुछ लोगों के हाथों में सत्ता आई, गाय काटने का क्रम और संख्या बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, और जो एक काम बचा हुआ था कि गौशालाओं ने जिन नंदियों की सुरक्षा की है, नंदियों की कुछ प्रजातियों की सुरक्षा की है, उसका भी समूल नाश हो जाए, वह इस साल केंद्रीय पशु कल्याण मंत्री ने कर दिया। अब उनका नाम जानते हो, गिरिराज सिंह। उसने वह साहसी काम कर दिया जो अंग्रेज नहीं कर पाए। आज भी इस देश में 100 से ज्यादा गाय की प्रजातियां शुद्ध विशुद्ध रूप में बची हुई हैं, जिनकी तुलना दुनिया का कोई भी नंदी नहीं कर सकता, आज भी बची हुई है। फिर भी इस मूर्खानंद मंत्री ने गाय के बीज को बाहर से मंगवाया, मंगवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और फरमान जारी कर दिया है कि कृत्रिम गर्भधारण कराओ। प्रकृति का दिया हुआ यह नैसर्गिक क्रिया है, इसमें मनुष्य को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। अब जो गायें यहां से ब्राजील गई है, दक्षिण अमेरिका गई है, यूरोप गई है, और उन लोगों ने जो गाय पर एक्सपेरिमेंट किया है, गाय के जीन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो उसके रूप स्वरूप को बदला है, अब वो आएगा हमारे भारत देश में, और सरकारें हमारी प्रमोट करेगी कि ऐसे शुक्र से गाय गर्भधारण करे, यानी जो बची खुची 100 प्रजातियां जो बची है वो उनका भी समूल नष्ट हो जाए इस देश में। ऐसी ऐसी क्रियाएं, ऐसे ऐसे कुकर्म जब इस देश का केंद्रीय मंत्री करे, तो हमें अपनी सरकारों पर कैसे भरोसा होगा। और इसलिए मैं सभी गविशुद्धों को कहता हूं कि गाय के मूल वंश को बचाने का काम अपने कंधों पर करो, इन मूर्खानंद सरकारों पर मत करो। ग्यारह से लेकर के आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट गाय के गवियों पर हुए, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं जो गाय के गवियों से सुलझ नहीं सकता। प्रतिवर्ष महासम्मेलन में गविषित अंक हम प्रकाशित करते हैं, हम सभी के द्वारा किए गए काम कोशों में प्रकाशित किया जाता है, सरकार की सारी गुप्तचर एजेंसियां उसको लेकर के जाती है, सरकार के पास देती है, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। सरकार के पास हम पहुंचाते हैं प्रतिवर्ष, हम लोग मिलकर गाय के गवियों से इतना कुछ हुआ है काम, इसके बावजूद भी अगर सरकार गायों के कृत्रिम गर्भधारण को रोकना तो दूर, उसे पूरी ताकत के साथ अगर प्रमोट करती है, तो निश्चित रूप से हमें सरकारों के खिलाफ इस विषय को लेकर के खड़े होने की जरूरत है। और इसीलिए इस वर्ष जगन्नाथपुरी
के पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन में इस विषय को हमने जो है मुख्य विषय माना है और पूरी ताकत के साथ सरकार के समक्ष इसका हमें विरोध प्रदर्शन करना है कि भारत की जो बची खुची 100 प्रजातियां हैं इनके मूल जीन को बचाया जाए, इनके मूल प्रकृति को बचाया जाए। यह केवल दूध का विषय नहीं है। अभी भी और अभी तक हमारे देश की सरकारें गाय को केवल दूध का विषय मानती है। इसलिए गाय का दूध कैसे बढ़ सकता है इस पर उनकी पूरी ताकत लगती है कि गाय का दूध बढ़ा दो। सभी गविशुद्धर जानते हैं कि गाय का दूध क्षीर तो बोनस है, मूल तो गोमूत्र है, जिससे पूरी धरती का वातावरण बच सकता है, मौसम बच सकता है, मिट्टी बच सकती है, वायु बच सकता है, जल बच सकता है, आकाश बच सकता है, विश्व की ब्रह्म ऊर्जाएं बच सकती है, सूर्य का प्रकाश बच सकता है, और वो गोमूत्र है। गाय का मूल विषय गोमूत्र का है, लेकिन हमारे देश की सरकारें गोमूत्र पर बिल्कुल काम नहीं करती। दूध बढ़ा दो, अगर गाय का जिन बदल जाए तो भी उसका दूध बढ़ा दो। ये गाय का दूध बढ़ाने के लिए चाहो तो जिन भी बदल दो। तो ये हालिस्टियन, फ्रीजियन, क्रॉस जर्सी, जो ये पिग ब्रिड काऊ जिसको यूरोप में कहा जाता है, शुअर से संकरित काऊ, उनके शुक्र का यहां पर वो प्रमोशन करती है। भारत देश के लोगों ने गाय की जितनी हत्याएं की है कहीं इससे ज्यादा गाय की हत्याएं सरकारों ने कृत्रिम गर्भधान करा करके कराया है। गायों के जिन जाति को बिल्कुल बदल दिया है। आप एक दो नहीं 10 जनरेशन तक भी अगर आप जो है इसका शुद्धिकरण करें तो हमारा जो शोध है वो कहता है कि ये बिल्कुल 10 नहीं 25 जनरेशन में भी फिर से गाय बदल करके नहीं आ सकती है। एक बार इसका जिन खराब हुआ, एक बार ये जेनेटिक चेंज हुआ तो वापस बिल्कुल नहीं आती। इसके शरीर में जो सूर्य केतु नाड़ी है वो एक बार लुप्त हुआ तो ये दोबारा निर्मित नहीं होता। और इसी विषय को यूरोप और अमेरिका अभी तक समझ नहीं पाया, इसलिए भारतीय गाय को ले जाकर अपने यहां उनका जेनेटिक चेंज करके वो दूध बढ़ा रहे हैं। गाय छोटी कद की हो या बड़ी कद की, अगर वो भारतीय नस्ल की गाय है तो उसके शरीर का सूर्य केतु नाड़ी सूर्य से चलने वाली 7 दृश्य किरणें और 2 अदृश्य किरणें, इन 9 को समुचित रूप से अपने शरीर में सोखती है। आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, वहां बिल्कुल एक छोटी प्रजाति की गाय होती है, 3 फीट की गाय होती है, उसको 9 मुट्ठी बोलते हैं। आप अपनी 9 मुट्ठी जोड़ लो, 9 मुट्ठी से जितनी ऊंचाई होगी उतनी ऊंची गाय होती है, इसलिए उसका नाम है 9 मुट्ठी हिमाचल प्रदेश की। केरल की भी उससे भी एक छोटी प्रजाति है, केरल में बिल्कुल बकरी से भी थोड़ी छोटी सी प्रजाति की गाय। चाहे तो आप इस गाय को ले लो, या आप अपने प्रदेश की ओंगल को ले लो जिसका कद बहुत बड़ा है, या फिर गीर को ले लो आप, कांकरेज को ले लो आप, साहिवाल को ले लो आप, लाल सिंधी को ले लो आप, जिनका कद बहुत बड़ा है। और सबसे लंबा कद जो है वो उड़ीसा की है एक प्रजाति, उसकी कोई भी ले लो आप, सभी गायों के अंदर जो व्याप्त है सूर्य केतु नाड़ी वो समुचित रूप से सूर्य की 9 किरणों को धारण करती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। और धारण करने के बाद इसको अपने गव्यों की मदद से बाहर निकालती है। अगर कोई ज्यादा दूध देने वाली गाय है तो उसी अनुपात में निकलेगा, अगर कम दूध देने वाली है तो ऊर्जा का अनुपात वही होगा, यानी क्वांटिटी बढ़ सकता है, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। अगर वो ज्यादा मूत्र करने वाली है तो मूत्र से ऊर्जाओं का विसर्जन करेगी, दूध देने वाली ज्यादा है तो दूध से विसर्जन करेगी, अगर दूध कम देती है मूत्र ज्यादा देती है तो मूत्र से उन ऊर्जाओं का विसर्जन ज्यादा होगा। लेकिन कोई भी प्रजाति भारत की हो, छोटी या बड़ी, सभी प्रजातियां बराबर सम रूप में सूर्य की ऊर्जाओं को रूपांतरित कर उसको द्रव्य में बदल करके विसर्जित करती है।
इसलिए भारत की कोई प्रजाति हो, छोटी बड़ी लंबी नाटी कोई भी प्रजाति हो, सभी प्रजाति की गाय हमारे लिए मुख्य विषय है। वहां वहां के भूगोल के हिसाब से, वहां वहां की जलवायु के हिसाब से उसका महत्व उतना ही है जितना किसी ऊंचे डील डॉल साइज की गाय की। गुजरात की कांकरेज का जितना महत्व है, गुजरात के गिरनार की गाय का जितना महत्व है, बिल्कुल उतना ही महत्व छोटे कद की गाय का भी वहां के भूगोल में है। इसलिए भारत की जितनी भी गायें हैं भूगोल के हिसाब से, 1947 के पहले तक के जो दस्तावेज हैं बताते हैं 360 से ज्यादा प्रजाति की गायें थी भारत में। आज जो हमारा सर्वेक्षण कहता है कि लगभग 100 प्रजाति की गायें बची है पूरे देश में, तो ये सभी 100 प्रजाति की गायें महत्वपूर्ण है अपने अपने भूगोल के हिसाब से। लेकिन सरकारें जो दूध ज्यादा देने वाली है उन गायों को प्रमोट कर रही है और शेष गायों को मरने के लिए छोड़ रही है, उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, या जो बड़ी गायें हैं उनमें कुछ जेनेटिक चेंज करके उनका विदेशी सीमन से जो है कृत्रिम गर्भ धारण करके और दूध बढ़ाने पर केवल काम हो रहा है, लेकिन यह भी जो है झूठ है। वास्तव में दूध बढ़ता नहीं उससे, क्षणिक कुछ एक दो साल के लिए उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, लेकिन मूलतः जब आप एक गणितज्ञ होकर के आप अगर इसमें से इसका गणित निकालोगे तो बिल्कुल ये सरकार का ये क्लेम भी झूठ है, झूठा होता है। क्योंकि गाय अगर नैसर्गिक रूप से रहे तो नैसर्गिक रूप से गाय लगभग जो है 23 साल जीवन जीती है आज भी, 21 से 23 साल उसका एवरेज है जीवन। उसका बचपन 3 साल अगर आप घटा दो और 2 साल का बुढ़ापा घटा दो, 5 अगर घटा दो, तब भी वो लगभग 17-18 साल तक जो है मां बनती है और प्रति वर्ष मां बनती है। 9 महीने का गर्भ होता है, 9 महीने के बाद वो बच्चा देती है, 3 या 4 महीने के बाद फिर वो गर्भधारण कर लेती है। गर्भधारण करते हुए भी लगभग 5 महीने तक वो दूध देने की स्थिति में रहती है। तो इस प्रकार से औसतन भारत में एक गाय जो नैसर्गिक जीवन जी रही है वो कम से कम 15 या 16 बार मां बनती है, यानी 15 से 16 वर्ष तक दूध देती है। यही आप कृत्रिम गर्भ धारण करने वाली गायों की स्थिति देख लो, या गाय के नाम पर जो सरकारें होलिस्टियन फ्रीजियन क्रॉस को जो प्रमोट कर रही है पिग ब्रीड काउ को, उनका जीवन अधिक से अधिक 7 साल का होता है। उनका भी 2 साल का बचपन और 2 साल का बुढ़ापा अगर घटा दो तो मुश्किल से 4 साल से ज्यादा वो दूध नहीं देती। तो 4 साल के दूध का गणित आप लगा लो और यहां पर 16 से 17 साल के दूध का गणित लगा लो, तब भी हमारी ये गायें जिन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ, इनके संवर्धन का कोई भी उपाय इस देश में नहीं हुआ, वो गायें भी आज इनसे ज्यादा दूध दे रही है, लंबे समय तक दूध देती है। और निश्चित रूप से जब वो 17 बार अगर बच्चे बन देगी तो 17 बच्चों का भी लाभ हमें मिलेगा। 17 में भी अगर आप नैसर्गिक रूप से अगर छोड़ दो आप, तो 17 बार या 16 बार अगर वो मां बनती है तो 8 बार तो वो बछड़ी देगी और 8 बार वो बछड़ा देगा। आप बछड़े से कोई काम नहीं ले सकते, लेकिन 8 बछड़ियां तो आपके काम की है, 8 बछड़े भी काम के हैं, लेकिन कुछ चूक हुई है हमसे, उसके कारण हम बछड़ों से काम नहीं ले पा रहे। तो कम से कम 8 बछड़ी तो देगी। होलिस्टियन फ्रीजियन जो है उसके ऊपर हमारे मूर्खानंद मंत्री का जो क्लेम है कि इससे केवल हम बछड़ी पैदा करेंगे, वो विदेश से एक शिमल लेकर के आ रहे हैं जिसका कहते हैं कि कृत्रिम गर्भ धारण कर दो तो गाय केवल आपको बछड़ी देगी, बछड़ा नहीं देगा। तो प्रकृति का जो ये गर्भ धारण का जो खेल है इसमें हस्तक्षेप मुझे तो बहुत ही अनैतिक लगता है। और पता नहीं इस देश का क्या भाग्य है कि ऐसे ऐसे मूर्खों को मंत्री का पद दे दिया जाता है। तो इस बार का जो हमारा सम्मेलन है उसमें हम बहुत ताकत के साथ जो है इसका विरोध करने जा रहे हैं कि ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति का नियम है, इसमें आप हस्तक्षेप ना करो। और यदि आपको लगता है कि आज के परिवेश में हमारी गायें केवल बछड़ी दे बछड़ा ना दे, तब भी इसका नैसर्गिक तरीका है हमारे देश में, जिन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, शुक्र बदलने की कोई जरूरत नहीं है,
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में गर्भधान का नियम है हमारे आयुर्वेद में, उसका आप प्रयोग कीजिए, लगभग 80% सफल प्रयोग होता है। लेकिन चूंकि विदेशों से सीमन आएगा, कृत्रिम गर्भधान आएगा, तो यहाँ के अधिकारियों और मंत्रियों को जो है पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना गौपालकों से बात किए हुए, यहाँ हमारे देश में ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं जहां 25,000-30,000 से ज्यादा गायें हैं, उन गौशालाओं में बहुत अनुभवशाली गौपालक हैं, इनके साथ बिना बैठक किए हुए, बिना विषय को समझे हुए हमारे मंत्री ने 800 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया। ऐसा ही होता रहा तो शायद आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश की जो सबसे उन्नत नस्ल मानी जाती है ओंगल, शायद वो नहीं बचेगी। गुजरात की उन्नत नस्ल जो गीर है, कांकरेज है, थारपारकर है राजस्थान की, इसका मूल स्वरूप भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा गविशुद्ध परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि सरकार के ऐसे निर्णयों का सोशल मीडिया पर प्रत्यक्ष रूप से पत्र लिख करके भरपूर इसका विरोध करना चाहिए। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि तुम मुझे जितनी भी गालियां बकनी है बक लो, जितना बोलना है बोल लो, जितना बेइज्जत करना है कर लो सोशल मीडिया पे, मैंने ठान लिया है करूंगा तो करूंगा। ऐसा बदमिजाज मंत्री मुझे नहीं लगता कि इस 70 साल के काले अंग्रेजों के इतिहास में मैंने कभी पढ़ा और सुना है। इसलिए अब तो बिल्कुल पूर्णतः विश्वास हो गया है कि मूल गाय की प्रजातियों की रक्षा सरकारें नहीं कर सकती, गविशिद्धर ही कर सकते हैं। आप अपने घरों में आपने जो छोटी छोटी गौशालाएं बनाई है उसमें आप मूल प्रजातियों को स्थान देना शुरू करो और कभी भी सरकार के झांसे में नहीं आना। शायद जब सरकार को यह समझ में आ जाए कि गाय केवल दूध के लिए नहीं है, और उस समय जब मूल प्रजातियां नहीं रहेगी तो शायद हम गविशिद्धर ही सरकार को मूल प्रजातियां दे पाएंगे, क्योंकि हमने गाय के दूध को कम और मूत्र को ज्यादा समझा है। इसलिए हमारे पास मूत्र से काम करने का तरीका ज्यादा है, गोबर से काम करने का तरीका ज्यादा है, खीर तो उसके बछड़े का है और उससे जो बच गया थोड़ा वो हमारे लिए है। तो इस विषय को अगर गंभीरता पूर्वक लो तो मुझे लगता है भविष्य में हम उन प्रजातियों को कम से कम बचा सकेंगे जो अभी बची हुई है, और इनको देखो बचाना बहुत ही जरूरी है। जो सूत्र आपके गविशुद्ध के लोगों पर है, तजो राष्ट्रस्य निरहंती ना वीरो जायते वर्षा, अस्पष्ट अथर्ववेद कहते हैं कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे शहर में नंदी नहीं रहेगी तो वो वीर पुरुष पैदा कहां से कर लोगे। और सरकारें नंदियों को खत्म करने पर तुल गई है। इसलिए जब असहनीय पीड़ा होती है तो सरकार को खर्री खोटी सुनाकर अपनी भड़ास तो निकालनी ही पड़ती है। शायद इससे कहीं मंत्रियों को अक्कल आ जाए। वेदों में जो सूक्त है, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों बार उनका परीक्षण हो चुका है, वो बिल्कुल खरी है। अगर हमें और हमारी सरकारों में उन सूक्तों के परीक्षण की ताकत नहीं है तो उन्हें सिरे से नहीं नकारना चाहिए। उन सूत्रों का पुनर्परीक्षण होना चाहिए, लेकिन पुनर्परीक्षण करने की आपकी ताकत यदि नहीं है तो उसे नकारो मत कम से कम। गावो शमस्य प्रथमस्य भक्ष्य,
स्पष्ट करते हैं ऋग्वेद कि गाय से प्राप्त जो कुछ भी द्रव्य है वो सारा द्रव्य सोम की तरह है, चंद्रमा की तरह है। जैसा चंद्रमा वैसा गाय के सारे द्रव्य, क्षीर हो, गोमय हो या गोमूत्र हो, ये सभी बिल्कुल सोम की तरह है, चंद्रमा की तरह है। सरल है, सुंदर है, कोमल है, मधुर है। चंद्रमा की जितनी उपमाएं हैं ये सारी उपमाएं गाय के गव्यों के लिए है। गाय के गव्य वैसे ही हैं, इसलिए स्पष्ट करते हैं प्रथमश्य भक्ष। जब मां के गर्भ से कोई बच्चा निकलता है, कोई शिशु जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसको उसके मां के दूध के पहले पिला दो, प्रथमस्य भक्ष। मनुष्य जब धरती पर पांव रखता है उस समय भक्ष करने योग्य है। इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है, इससे स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है। जिस गाय का गौमूत्र उस बच्चे को पिलाने योग्य है जिसने अभी तक अपनी मां का दूध नहीं पिया है। हमारी गैया के गोबर का रस उस बच्चे को पिलाने योग्य है जिसने अभी अपनी मां के दूध का पान नहीं किया है। मुझे नहीं लगता दुनिया में इतना सरल कुछ और हो सकता है। हमारे वेद जो इतना स्पष्ट कर देते हैं कि गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, क्षीर, घी, दूध, दही, मक्खन सब इतना सरल है, इतना सरल है कि वह अपनी मां के दूध के पहले पी सकता है। तो बताओ इसमें संशय क्या है। और यह बात तो मैं बिल्कुल पढ़ करके नहीं कह रहा हूं आपको, हजारों बच्चों पर इसका एप्लीकेशन कर उसका रिजल्ट जानने के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हजार से ज्यादा ऐसा बच्चे हैं अभी जिनको जन्म लेने के साथ ही उनको गोबर का रस, गोमूत्र, दूध, क्षीर, घी पिलाया है और उसके बाद मां का दूध पीने दिया है। आज इन बच्चों की तुलना सामान्य बच्चों से नहीं कर सकते, इतने प्रवीण हैं, इतने बलिष्ठ हैं, इतने साहसी हैं बच्चे। इसके बावजूद भी सरकार गाय के मूल नस्लों को बचाने की दिशा में कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा नस्लों को खराब करने में पूरी ताकत झोंक रखी है। इसलिए जितना यथासंभव हो सके गविशुद्धों को अपना विरोध सरकार के प्रति प्रकट करना चाहिए ताकि देर सवेर सरकार की बुद्धि बदल जाए और गाय की मूल प्रजातियों को बचाने की दिशा में वे काम करना शुरू कर दे। तो इसी दुख भरी एक चिंता समाचार के साथ आज के प्रबोधन को मैं यहीं विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय गाय के उत्थान के लिए, प्रकृति के लिए, भारत राष्ट्र के लिए दिया है। इसके लिए आप सभी का, मंच पे आसीन सभी अतिथियों का साधुवाद मैं करता हूँ। हरिओम। मरिन्नी अपडेट्स कोसम STV YouTube चैनल सब्सक्राइब चेसुकोंडी।